मध्य प्रदेश में उज्जैन रोड ओवरब्रिज के नीचे दोनों तरफ रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 32 झोपड़े हटा दिए गए। रेलवे की टीम ने पुलिस फोर्स की उपस्थिति में कार्यवाही की। इस दौरान झोपड़े में रहने वाली एक महिला ने चाकू गर्दन पर रखकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी, लेकिन रेलवे की टीम पीछे नहीं हटी और झोपड़े तोड़ दिए गए। वरिष्ठ अभियंता रेलवे नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि हमने रेलवे की जमीन पर किए अतिक्रमण को हटाने के लिए 6 माह में 4 बार 32 झोपड़ी वालों को नोटिस दिए थे, बावजूद इसके अतिक्रमण हटाया नहीं गए। अब इन झोपड़ी को हटाकर आरपीएफ की ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे ये फिर से अतिक्रमण नहीं कर सके। इंदौर से उज्जैन के बीच में देहरीकरण लाइन का काम चल रहा है, इसलिए अतिक्रमण हटवाया गया है। इसके अलावा खाली जगह पर रेलवे के क्वार्टर बनेंगे और शहर से आने वाले नाले की निकासी के लिए बड़ा नाला बनवाया जाएगा। झोपड़ियां खाली करने के लिए टीम ने समय दिया है। उसके बाद ट्रैक मेंटेनरों की टीम ने अपने संसाधनों से झोपड़ी को तोड़ने की कार्यवाही शुरू की। कुछ देर बाद नगर निगम की जेसीबी से झोपड़ियों को हटाना शुरू किया गया तो इमलाबाई काकी की ने तो अपनी झोपड़ी तोड़ने से मना कर दिया। पहले तो वह जेसीबी पंजे के सामने बैठी, जिसे पुलिस ने हटाया। इसके कुछ देर बाद महिला सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आई और गले पर रख दिया। कहने लगी, अगर झोपड़ी तोड़ी तो मैं अपना गला काट लूंगी, जान दे दूंगी। आरपीएफ महिला आरक्षक ने समझाया, फिर भी नहीं मानी तो कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों ने समझाइश दी। महिला फिर से नाराज होकर जमीन पर लेट अपने पेट में चाकू से वार करने की धमकी देने लगी। महिला को समझाने के बाद चाकू छुड़वाया और अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया। रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के बाद लोग बेघर हो गए। रामकली लाछी संजू सोलंकी ने बताया कि हम गरीब लोग गुब्बारे बेचकर मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे थे, अब हम जाए तो जाए कहां, सरकार को हमें रहने के लिए जगह देनी चाहिए। हमारे पास राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड भी है। इमलाबाई ने बताया कि मेरी बहू रेखा पति धर्मेंद्र को इसी माह में डिलीवरी होने वाली है। घर टूट गया है तो डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा को कहाँ रखूंगी, चाकू खा के मारूंगा। ये रेलवे वालों ने रिश्वत खाई तो मेरी चुक्की तोड़वा दी। मेरी जान है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सत्ता ख्याल कम करो। मेरे घर में 20 बच्चे औरतें हैं, मेरी बहू बेटे हैं, मेरा अंधा आदमी है, मेरी बेबाल बच्ची है, मेरी डिलीवरी वाली बहू के डिलीवरी क्या करने जाऊंगा मैं। आपके हाथ जोड़ू, मेरी व्यवस्था करो, क्या बच्चा बाप जेल खाते और ये चाकू खा के मैं मर जाऊंगा क्या। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।